हाय गाइस, आज मैं बना रही आ रही हूँ बची हुई सब्जी से पराठे। सब्जी चाहे कोई भी हो, सूखी हो या तली वाली, इसे हम आसानी से टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ हरी मिर्च, प्याज, धनिया ये सब चीज़ ली है। इनको मैं अच्छे से धोकर काट लूँगी। यहाँ मैंने आटे को छान लिया है। अब मैं इसमें जो ये प्याज, हरी मिर्च, धनिया काटा है उन सभी को डाल दूँगी। अब मैं इस सब्जी में से आलू को निकाल कर इसमें डालूंगी और इन्हें अच्छे से हाथों से मैश करके आटे के साथ मिला लूंगी। इसमें कुछ हम मसाले भी डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। कुछ इसमें अजवाइन भी डाल दीजिए। अब ये जो तरी बची है सब्जी की, इसे से हम इस आटे को अच्छे से गूथेंगे। पहले हम आलू को अच्छे से हाथ से अपने हाथों से फोड़ लेंगे। धीरे धीरे इसमें हम ये रसे को ऐड करते जाएंगे और आटे को मिलते जाएंगे। देखिए हमारा आटा गूंथ चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए। यहाँ मैंने गैस पर तवे को रख दिया है। अब चलिए पराठे बनाने शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब हम थोड़ा सा लोई लेंगे और उसको हाथों से गोल गोल बना लेंगे और सूखे आटे में कर इसे हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद इसमें हल्का सा ऑयल लगाएं और इसको तिकोना मोड़ लें। इसमें सूखा आटा लगाएं और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए। ये देखिए हमारा पराठा बन चुका है। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे और इसे एक तरफ से सिकने देंगे। देखिए हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है। अब इसमें हम ऊपर की तरफ ऑयल लगाएंगे और इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ऑयल को लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। सभी पराठों को इसी तरीके से बना लीजिए। ये देखिए हमारे पराठे तैयार हैं। इसे चाहे तो आप दही के साथ, अचार के साथ इंजॉय करिए। धन्यवाद।